और आई सामने जहाँ पे हमने लास्ट टाइम गाड़ी पार्किंग की थी यहाँ पे आ रहा है। आज हमने गाड़ी पार्क किया है वो इस तरफ, और अब जहाँ पे हम जा रहे हैं भाई ये आ गया टर्मिनल 1। भाई काफी लोग ना इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, उस सामने लगी हुई है टैक्सीज और ये एंट्री ओनली। सीधी बात हूँ, आपने क्या करना है कि दिल्ली एयरपोर्ट में कभी भी हिंदी में मत बात करें, इंग्लिश में। भाई इंग्लिश भी तो आनी चाहिए, आप बोलना इंग्लिश 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 इंग्लिश। स्वागत है आपका नए व्लॉग में, और जो ये व्लॉग है ना भाई सही मायनों में तो छोटे भाई का व्लॉग है भाई, जो आयरलैंड में रहा। और जो आपने लास्ट की वीडियो देखी हो ना भाई, तो हम गए थे एयरपोर्ट पे भाई को सामान देने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर डालने का मेन मकसद भाई ये है कि घर बैठे बैठे जी से ले लेंगे, आयरलैंड देख लेंगे भाई। यदि इस तरह की वीडियो देखना पसंद करा तो सचिन देसी के नाम से यूट्यूब पे चैनल है भाई छोटे भाई का, उसे सब्सक्राइब कर ले भाई और इंजॉय करे व्लॉग का। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, दिस इज सचिन और दिस इज छोटा सचिन। दोस्त आ रहे हैं इंडिया से, अराइवल पे आपको लेकर चलते हैं, आप तो वहां पे जाके आपको फिर डबलिन एयरपोर्ट दिखाएंगे। एनीवे पहले एक रामपियर में जाके बैठते हैं, फिर जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं। टाटा बाय बाय टाटा। हां वो भी आ रहा है भाई ना पीछे पीछे रोना शुरू कर दे तो भाई वो खड़ी है अपनी रामप्यारी। चलो फिर चलते हैं भाई, आज का जो मौसम है ना बड़ा अच्छा हो रहा है। एनीवे ना जैसे गर्मी से होनी शुरू हो गई है आज। डबलिन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाते हो ना, कितने टाइम के बाद आप अराइवल से बाहर निकल जाते हो। यानी भाई हम बोल तो देते हैं कि भाई 3 बजे मेरी फ्लाइट आ रही है तो मैं 3 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊँ, बट ऐसे नहीं होता है कि उसको मे बी 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स इतना टाइम लग जाता है। बट एनीवे जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेट्स गो टू डबलिन। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ भाई, सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है कि भाई मेरे घर के पास में एयरपोर्ट है, मेरे से नियरली 10 मिनट्स ही लगता है मेरे को एयरपोर्ट पे जाने में, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेट्स गो। मैं आ गया उस टाइम कार पार्क में ना टर्मिनल 2 के। एनीवे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड टर्मिनल 2 रहा। मेरी गाड़ी को ना BMW ने घेर लिया चारों तरफ से, बाहर निकलते हैं दिखाते हैं आपको। ये जो गाड़ी है ये भी बीमर खड़ी हुई है ब्लैक कलर, सामने है भाई वो भी बीमर खड़ी हुई है ब्लैक कलर, और ये भाई ब्लैक कलर, ये बीच में रामप्यारी फंस गई है। जब आप आ रहे हो ना वो टर्मिनल 2 रहा, अब टर्मिनल 1 पे जा सकते हो या फिर टर्मिनल 2 पे। तो टर्मिनल 2 पे पार्किंग क्या होता है कि आपको थोड़ी सस्ती पार्किंग मिल जाती है। चलो पहले चलते हैं अराइवल्स पे, जहाँ पे हमको विकास को कलेक्ट करना है, रिसीव करना है। और आई सामने जहाँ पे हमने लास्ट टाइम गाड़ी पार्किंग की थी यहाँ पे अराइवल्स, और आज हमने गाड़ी पार्क किया है वो इस तरफ, और अब जहाँ पे हम जा रहे हैं भाई ये आ गया टर्मिनल 1। भाई काफी लोग ना इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, और लास्ट टाइम जो मैंने गाड़ी पार्क की थी ना भाई वो यहाँ पे की थी, बिल्कुल टाइट स्पेस है यहाँ पे ना, लेकिन जहाँ पे अभी करी है वो स्पेस थोड़ा ठीक है कम्पेयर टू इस पार्किंग के। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे जैसे आपने देखा होना यहाँ पे करा था, और आज की वीडियो में भाई डिफरेंट वे से पे करेंगे। एनीवे देखते हैं सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, कितने वो चार्जेस करते हैं। वो सामने लगी हुई है टैक्सीज और ये एंट्री ओनली। तो ये है भाई अपना डबलिन एयरपोर्ट अराइवल्स, वो सामने भाई स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई हैं। भाई काफी दुनिया इस टाइम ट्रैवल कर रही है अगेन, क्योंकि भाई कोरोना वायरस के कारण काफी लोग रुके हुए थे कि ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो अब शुरू हो गया भाई। ना जब भी आप आते हो होपफुली भाई जल्दी मिलेंगे आपको यहाँ पे ना, यहीं से आप बाहर निकलते हो और यहाँ पे भाई आपको रिसीव करने के लिए आपके फ्रेंड्स वगैरह। जो मैं आपको दिखाऊं भाई जो दोस्त की जो लैंड हुई है टर्किश एयरलाइन, 3:50 पे लैंड हुई है, और ये देखते हैं भाई उसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है। जो मैंने सुना भाई हाफ अराउंड हाफ एन आवर लग जाता है। एनीवे उसका फोन आ गया, वो लैंड तो हो गया। चलो फिर वेट करते हैं अभी ना। और ऐसे भाई ना लोग एक्साइटेड होते हैं, अपने पेरेंट्स वगैरह जिससे भी आप रिसीव करने के लिए आ रहे हो, जिसको भी आप मिल रहे हो एयरपोर्ट पे ना। तो भाई जब आपकी फ्लाइट लैंड हो जाती है ना, उसके बाद क्या होता है कि ना आपको इमिग्रेशन क्रॉस करके आनी पड़ती है। इमिग्रेशन के बाद वो आपका पैकेज वगैरह चेक करते हैं, जिसको बोल देते हैं कस्टम। भाई को रिसीव करने के बाद बाहर निकल के आपको दिखाएंगे आपने बस वगैरह कहाँ से लेनी है और टैक्सी कहाँ से लेनी है, एक्सप्लेन करेंगे फुल। एनीवे भाई की वेट अभी भी हो रही है भाई, नियरली मेरे को 15-20 मिनट्स हो गए यहाँ पे खड़े हुए। तो भाई बंदा आ गया अपना, तो भाई विकास कैसा है भाई? भाई तो मिल गया लेकिन ना दीदी मिली है, उनका भाई आ रहा है, उनकी वेट कर रहे हैं, तो ताकि दीदी के पहली बार वीडियो बना दे। और भाई विकास कैसी लगी फ्लाइट ना? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अभी बोला तो घटिया, कितना झूठा है, कैमरे के सामने सभी झूठ बोलते मेरे भाई। टर्किश एयरलाइंस इज वेरी गुड राइट, बट द प्रॉब्लम इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डब्लिन दिल्ली टू कुवैत इज नॉट गुड। वहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत हो गया, क्योंकि मानसून में प्रॉब्लम होती है भाई ना, पहली बार आ रहे हो। दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ चेक वगैरह करा कोरोना? कुछ नहीं चेक किया उन्होंने यार, सच मैं वहाँ पर यार आपको मैं सीधी बात हूँ, आपने क्या करना है कि दिल्ली एयरपोर्ट में कभी भी हिंदी में मत बात करें, इंग्लिश में। भाई इंग्लिश भी तो आनी चाहिए, आप बोलना इंग्लिश 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 इंग्लिश।
लेट हो रही है अभी, फिर उसके बाद चलते हैं सीधा गाड़ी में। ए भाई यहाँ पे इमिग्रेशन पे कुछ पता करा है? नहीं कुछ नहीं, चेक किया आयुष पासपोर्ट था तो चेक किया बस। मैंने वहाँ जाके बोला हंस गाँव फाला भी दूँ कहा चल जाए कि दिमाग खराब करेगा इसको भेजो भाई इससे निकल जाओ भाई। नहीं एक्चुअली यार लाइक व्हेन वी कम बैक टू डबलिन लाइक इट्स आई ऑलवेज काइंड ऑफ फील वेरी होमली हियर। इट्स वेरी सेफ कंट्री, वेरी गुड कंट्री, पीपल आई मीन आई वाज इन फकिंग कुवैत एंड ऑल दैट वाइज इट्स एब्सोल्युटली फकिंग शिट। भाई ये ज्यादा अंग्रेजी मारना शुरू हो गया, हमारे भी ऊपर से जा रही है। एनीवे भाई इंडिया में इसका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, गर्मी हो रही है और यहां पे आके भाई कूल बात हो रहा है। यहां तो यार फोन ही गर्म है हमारा भाई, यहाँ पे मजा आता है। आयरलैंड तो यार वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में। और भाई ना हेयर प्लांट भी करा गया है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने की इच्छा नहीं है यार, लड़कियां बोल रही हैं रहने दो ऐसे ऐसे ठीक है नहीं भाई ऐसे स्मार्ट लगता है। एनीवे भाई भाई की वेट हो रही है और दीदी इधर खड़ी हुई है फोन लेके, तो वीडियो बना के फिर ही जाएंगे भाई। तो भाई फाइनली आ गए हैं भाई जी और हमारा भी टाइम आ गया निकलने का। भाई दीदी बड़ी खुश हो रही थी ना भाई को रिसीव करके। कोई नहीं कोई चक्कर नहीं आई, ओके भाई फोन पकड़ो ही, कोई नहीं ओके मिलते हैं। हाँ जी जरूर जरूर। तो लो भाई दीदी ने भी सब्सक्राइब कर दिया अपना चैनल और भाई ने तो कर नहीं रखा, या कर रखा विकास? तो भाई अब इस सामान को रखना अपनी गाड़ी में, फिर वहाँ से मैकडोनल्ड में, मैकडोनल्ड से ट्रांसफर करना फिर दूसरी गाड़ी में। हम निकल गए यहाँ से, एंट्री करी थी और यहीं से हम बाहर निकल गए। गार्ड है की गाड़ी खड़ी हुई है भाई, से थोड़ा बच के सीधा निकल जाना भाई बस की तरफ जहाँ से बसेज वगैरह मिलती है। और भाई यहाँ से निकलने के बाद जहाँ पे हमने पार्किंग लगाई है ना वो लास्ट में जाके भाई वेदर देख यार, विकास कैसा लग रहा है वेदर? ये भाई अंग्रेजी चल गया, दो पैक लगा के आए पक्का। सामने ना टर्मिनल से बाहर निकलते हो ना अराइवल से, जैसे हम आ रहे हैं हम बिल्कुल सीधा आ रहे हैं भाई नाक की सीध में, और यहाँ पे ना बसेस वगैरह ये सारी लगी हुई हैं। और उसके बाद भाई हम पार्किंग में चलते हैं सीधा अपना। तो भाई ये आ गया हम सीधा अपनी पार्किंग में, और भाई वो भी सामने पार्किंग है, ये खड़ी है भाई अपनी राम प्यारी, और सारी तरफ से भाई BMW ने घेर रखा था उसको ना। BMW से कम नहीं है। ये रही भाई अपनी पार्किंग टिकट, और ये भाई सामने अपना मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड की पार्किंग में खड़े है क्योंकि विकास को कलेक्ट करने के लिए भाई उसका फ्रेंड आ रहा है तो उसी की वेट कर रहे हैं अभी। भाई ये बेंटले स्टार्ट हुई है भाई, इस गाड़ी की आवाज यार ना खतरनाक। विकास राम प्यारी की आवाज कैसी है यार? राम प्यारी बहुत बढ़िया है मेरे भाई, मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, उसकी जो राम प्यारी है वो पैसे नहीं कमाती, इनकी पैसे कमाती है। और ये पता नहीं कितनी राम प्यारी ले ली ऐसे वाली भाई, इतना दिल खुश कर दिया, मैं सोच रहा मैकडोनल्ड खिला दूं विकास को सामने। चल चाय पी लेते हैं भाई, इतनी तारीफ कर दी ना अब तो चाय बनती है। तो भाई अपना मैकडोनल्ड हो गया, अभी इस टाइम ना वेट हो रही है भाई को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं फ्रेंड, तो उनकी वेट हो रही है, उसके बाद घर पे निकलते हैं और भाई निकलेगा अपने घर पर। ठीक है भाई, ये बाइक ही आ गई है अपना गाड़ी, और भाई ने ना ड्राइवर भी देखो भाई गोरे रखे हुए। लो भाई प्रॉपर भाई साहब, तो ये भाई का सामान है, ये मैंने उसमें डाल देना अपना। ओके भाई चलो भाई मिलते हैं। ओके मैन टेक केयर मैन। यार इनको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन जो वीडियो रहती है ना उसमें लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। भाई मैंने इसको ना कॉफी पिला दिया, अभी ना हर वीडियो में ऐसे बोलेगा। इनकी मैं वीडियो देख के ही मैं आयरलैंड पहुंचा, आपको पता है? ये देखो भाई ये ज्यादा हो रहा है ना। तो भाई विकास, तो एनीवे भाई विकास जा रहा है फ्रेंड के साथ, एनीवे उसकी साली है वो जो उसको रिसीव करने के लिए आई है। कोई नया भाई आ रहा है इंडिया से तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है भाई, एक पिक्चर एक विजुअल सा बन जाता है कि दिमाग में कि भाई मैंने अराइवल के बाद यहाँ पर जाना है। ये थी एक छोटी सी वीडियो, एनीवे आई होप यू एंजॉय द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना जैसे विकास ने बोला। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।